केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअली यही सबसे मेन टॉपिक है, रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है ये देखते हैं। कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन जैसे ए टू बी, तो रिएक्शन का रेट जो होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा वो ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कितना रिएक्टेंट है तुम्हारे पास उस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें पहले समझो कैसे होता है। जैसे मान लो कोई अच्छे से देखते हैं, रिएक्शन है मान लो ए ए प्लस बी बी, ये बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्शन का रेट जो होगा आर, वो प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ ए और उसका कोफिशियंट पावर में जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बी और उसका कोफिशियंट बी पावर में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए के भी प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन और बी के भी प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन, और दोनों अपने अपने कोफिशियंट, जो जो इसका कोफिशियंट है, ए का जो कोफिशियंट है वो ए के पावर में, बी का जो कोफिशियंट है बी के पावर में। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का नाम है के। के का क्या, के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यही है रेट लॉ। कोई भी रिएक्शन के लिए तुम ऐसे लिख सकती हो। ठीक है, कोई भी रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू के, रिएक्टेंट का दोनों का कंसंट्रेशन और दोनों का पावर उसका कोफिशियंट। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन तीन टाइप का होता है। ठीक है, रिएक्शन तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का नहीं होता है एक्चुअली, बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम लोग को मेनली तीन जानना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है सम ऑफ पावर्स। तो बताओ इसमें इसके इस रेट लो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? ऑर्डर हो जाएगा, पावर है ए और बी, तो पावर का सम निकालो तो ऑर्डर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके आधार पे रिएक्शन तीन तरह का हो सकता है। एक हो सकता है जीरो ऑर्डर, ठीक है, एक हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर, एक हो सकता है सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? ऑर्डर है ही क्या? सम ऑफ पावर ही तो है, तो पावर को जोड़ के कुछ भी आ सकता है। तो पावर को जोड़ के जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, टू से ज़्यादा भी आ सकता है और फ्रैक्शन भी आ सकता है, यानी ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है? जीरो ऑर्डर का मतलब है कि पावर का सम जीरो है, यानी पावर जीरो है, कोई पावर ही नहीं है। यानी इसको अगर लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? आर इक्वल टू के ए का पावर जीरो। ए का पावर जीरो क्या मतलब हुआ? ए का पावर जीरो का मतलब हुआ वन। किसी भी चीज़ के पावर जीरो का मतलब होता है वन। वन यानी आर इक्वल टू के, यानी रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स है, कितना? के, यानी ए का कंसेंट्रेशन तुम कितना भी बढ़ाओ या घटाओ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स है, कितना? के। ठीक है, तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए का पावर वन होगा। पावर कितना होना चाहिए? वन। क्यों? क्योंकि है फर्स्ट ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन के ए का पावर टू होगा। पावर कितना? टू। इस सब को डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर का यूनिट। ऑर्डर का यूनिट क्या होगा? देखो, यूनिट सबसे पहले जीरो ऑर्डर के बारे में देखते हैं। जीरो ऑर्डर में क्या होता है? रेट इक्वल टू के ए का पावर जीरो। ए का पावर जीरो का मतलब वन, यानी रेट इक्वल टू के। अब बताओ रेट का यूनिट क्या है? रेट है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन का चेंज यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है?
कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर बाय टाइम, है ना। तो रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, रेट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इस एक्सप्रेशन में रेट का जो यूनिट है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट है, तो मेरा रेट कांस्टेंट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कभी तुमको क्वेश्चन में रेट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है वो नहीं दिया रहेगा, तुमको खुद से पहचानना पड़ेगा। तो तुम के का यूनिट देखे, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के तुम बता सकती हो कि ऑर्डर उसका क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि कोई एक रिएक्शन जिसमें उसका रेट कांस्टेंट है 5 mol/L/s, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तुम के का यूनिट देखे मोल पर लीटर पर सेकंड, तुम समझ जाओ कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। अब वो तुमको बोलेगा नहीं कि जीरो ऑर्डर है, वो बस ये बताएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट इक्वल टू के ए का पावर 1। रेट का यूनिट क्या है बताओ, रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, पर सेकंड इक्वल टू के, ए क्या है, ए है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मोल पर लीटर कट गया, तो के का यूनिट क्या बचा, सेकंड इनवर्स, के का यूनिट क्या बचा, सेकंड इनवर्स। तो अगर कहीं रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स है तो सिर्फ यूनिट देख के तुम कह सकती हो कि वो कैसा ऑर्डर है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। अब सेकेंड ऑर्डर का यूनिट निकालना देखते हैं, रेट इक्वल टू क्या होता है सेकेंड ऑर्डर में, के ए का पावर 2 के स्क्वायर, रेट का यूनिट क्या है मोल पर लीटर पर सेकेंड, सॉरी इक्वल टू के पर सेकेंड लिखा है तो सेकेंड नीचे चला तो माइनस वन क्यों लिखेंगे, ए का स्क्वायर है यानी मोल पर लीटर का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे 1 mol/L है, यहाँ पे 2 mol/L है, तो 1 mol/L से 1 mol/L कट गया, 1 mol/L बचा, उसको भी नीचे भेज दो, तो k इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1/s पहले से था यहाँ पे नया मेहमान कौन आया, मोल पर लीटर, दोनों को ऊपर भेज दो, तो k का यूनिट क्या हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर पावर 1, लीटर माइनस वन है प्लस वन हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अगर कहीं के का यूनिट ये दिया हुआ है तो समझ लो कि वो सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। तो ये था हम लोग का ऑर्डर का यूनिट। अब आगे पढ़ते हैं, चलो कुछ एग्जांपल्स समझते हैं रिएक्शंस के। जैसे ये देखो, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन N2 और 3H2 में। अब अमोनिया यहाँ रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है, तो इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल्स टू के अमोनिया का स्क्वायर, क्योंकि अमोनिया कोफिशियंट 2 है, तो ये होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, तो ये एक्सेप्शन, ये इसका रीज़न है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि जितना कोफिशियंट हो वो हर बार ऑर्डर हो ही, ठीक है, जरूरी है नहीं है, इसलिए तुम कोफिशियंट देख के ऑर्डर बता दो ऐसा नहीं है, तुमको पहले उसका रेट लॉ लिखना पड़ेगा, और रेट लॉ में हर बार ऐसा नहीं होता है कि कोफिशियंट ही पावर में है, कभी कभी कोफिशियंट देखो यहाँ कोफिशियंट 2 है लेकिन ऑर्डर 0 है, ठीक है। H2 प्लस Cl2 HCl बन रहा है, होना तो ये चाहिए कि रेट इक्वल टू के H2 का पावर 1 और क्लोरीन का पावर 1, ये ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, H2 का पावर 0 और क्लोरीन का पावर 0, कोफिशियंट दोनों का 1-1 है लेकिन दोनों का पावर 0-0 है, तो 0-0 है तो ऑर्डर 0 हो गया, तो क्यों हो रहा है ऐसा, तो ये आगे बताते हैं तुमको। ये देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन H2O2 क्या, H2O2 में टूट रहा है, तो रेट इक्वल टू के H2O का पावर 1 है, देखो ये 1 है फर्स्ट ऑर्डर, ये है एसिटिक एसिड, ये है इथेनॉल, एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनता है ईस्टर, देखो ईस्टर बन रहा है, रेट क्या हो जाएगा
एसिटिक एसिड और एथेनॉल दोनों का पावर 1 1, तो टोटल पावर हो गया 1 + 1 2। ठीक है, अब ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसमें रेट जो है CH3CHO का पावर 3/2 है, कोफिशेंट 1 है लेकिन पावर है 3/2, तो ऑर्डर हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल। तो यही बताया तुमको कि बार बार ऐसा नहीं होता है कि जितना कोफिशेंट हो वही ऑर्डर में आ जाए, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है, ऑड लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, मॉलिकुलैरिटी, मॉलिकुलैरिटी क्या होती है? मॉलिकुलैरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कैसे होता है? रिएक्शन होता है कि ये रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, दोनों रिएक्शन आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार में रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट टकरा रहे हैं, ठीक है, कितने रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, वही मॉलिकुलैरिटी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वो अब मॉलिकुलैरिटी क्या कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं, मैक्सिमम ये होगा कि एक रिएक्टेंट रहेगा वही आपस में टकरा के प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मॉलिकुलैरिटी जीरो हो जाए, मतलब कोई टकरा ही नहीं, तो कोई अगर एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन, साइमल्टेनियस कोलिजन, अगर रिएक्टेंट का नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो मॉलिकुलैरिटी जो होगी वो जीरो नहीं हो सकती। क्या मॉलिकुलैरिटी फ्रैक्शन हो सकती है क्या? फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आधा आधा मॉलिक्यूल टकराए, आधा मॉलिक्यूल नहीं टकराए। अरे एक मॉलिक्यूल अगर है, एक मॉलिक्यूल है तो वो पूरा का पूरा टकराएगा, ऐसा तो नहीं होगा आधा मॉलिक्यूल टकराएगा आधा नहीं टकराएगा। रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन चाहिए, ये रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स है, दोनों कोलाइड करेंगे तो बनेंगे प्रोडक्ट, तो दोनों टकराएंगे, ऐसा तो नहीं है कि इसका एक टकराएगा, इसका आधा टकराएगा और इसका एक टकराएगा, नहीं है, दोनों टकराएंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते। अब मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, मतलब कहना चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग टकराएंगे, ठीक है, अब प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों भाई, 4 लोग क्यों नहीं टकरा सकते? अब देखो क्यों, हमको चाहिए मॉलिक्यूलरिटी में क्या चाहिए, हमको मॉलिक्यूलरिटी में चाहिए साइमल्टेनियस कोलिजन। का क्या मतलब है? साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब है एक साथ टकराने चाहिए, चारों के चारों एक साथ टकराने चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि 4 अलग अलग रिएक्टेंट्स एक बार में एक जगह पे एक साथ टकराए, इसका प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि 3 अलग अलग रिएक्टेंट्स एक साथ में एक जगह पे एक साथ टकराए, 3, 4 लोग टकराएं ये बहुत कम प्रोबेबल है, इसलिए 3 से ज़्यादा नहीं होता मॉलिकुलरिटी। ठीक है, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक रिएक्शंस होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन? है भाई जो एक स्टेप में हो जाए। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन तुमको दिखाते हैं NH4NO2, ये टूट जाएगा, किस में टूटेगा? नाइट्रोजन और वाटर में टूट जाएगा। तो ये एक स्टेप में हो रहा है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये टूट गया, नाइट्रोजन और वाटर रिलीज हो गया, एक स्टेप में बस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन कोई कोई रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं कि वो बहुत सारे स्टेप में हो, वैसा रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वैसा रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल दिखा दे तुमको, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू मोर देन वन स्टेप, एक बार में बहुत सारे स्टेप में होंगे। तो रिएक्शन कौन सा है? मेन रिएक्शन है मेरा HBr का, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, तो ब्रोमीन अलग हो गया, वाटर अलग हो गया,
ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन को लेके वाटर बन गया, ब्रोमीन ब्रोमीन गैस बन गया। तो ये तीन स्टेप में हो रहा है, ठीक है। एक बार क्या हो रहा है कि HBr O2 से कंबाइन कर रहा है, तो पहले बन रहा है HOBr। HOBr क्या है? एसिड है। हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं HOBr का क्या नाम होगा बताना। अगले बार में HOBr, ये जो HOBr बना है, ये वापस HBr से रिएक्शन किया और फिर से बना HOBr, ठीक है। फिर अगले बार में HOBr, जब HOBr बहुत सारे हो गए, तो फिर वो HBr से रिएक्शन किए और बना H2O और Br। तो ये रिएक्शन याद करने का ज़रूरत नहीं है, तुमको बस जानना है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मान लो कोई रिएक्शन है, मेन रिएक्शन है A प्लस बी सी प्लस डी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इसी रास्ते से रिएक्शन हो रहा हो। हमको ये समझना है कि इसी रास्ते से रिएक्शन हो रहा हो कि A और B रिएक्ट करके C और D बन रहे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो तीन चार स्टेप में रिएक्शन हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा ना कि यहाँ पे ये रिएक्शन जो है सीधा ऐसे नहीं होता है, ये तीन स्टेप में रिएक्शन होता है। अब फाइनली ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये क्या लिखा हुआ है भाई, स्लो फास्ट फास्ट। तो देखो, अब जैसे मान लो, अब इसमें तुमको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कोई साइकिल की फैक्ट्री है, क्या है, साइकिल की फैक्ट्री है। साइकिल की फैक्ट्री में बहुत चीज़ बन रहे होंगे, क्या क्या बन रहे होंगे बताओ। हैंडल बन रहा होगा, है ना, हैंडल बन रहा होगा, चक्के बन रहे होंगे, रिम बन रहा होगा, घंटी बन रहा होगा, सीट बन रहा होगा, बहुत चीज़ बन रहा होगा। लेकिन फाइनली फाइनली फिनिश्ड प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा स्लोएस्ट स्टेप पे। किस पे डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप। जैसे मान लो साइकिल की फैक्ट्री में चार वर्कर हैं, ठीक है, चारों वर्कर अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं। एक आदमी है जो घंटी बना रहा है, एक आदमी है जो हैंडल बना रहा है, एक आदमी है जो चक्के बना रहा है, एक आदमी है जो सीट बना रहा है, एक आदमी है जो बाकी पार्ट बना रहा है, पाँच आदमी है, ठीक है। लेकिन ये जो घंटी बनाने वाला बंदा है, ये बहुत स्लो काम कर रहा है। बाकी सब लोग तो काम करके बैठे हुए हैं, बना के रख दिए, चक्के बना के रख दिए, सीट बना के रख दिए, हर चीज़ बना के रख दिए। ये घंटी बनाने वाला बंदा जो है, ये बहुत स्लो काम कर रहा है। तो जब तक घंटी बनेगी नहीं, साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। हमको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, मेन पूरा का पूरा साइकिल चाहिए। तो जब तक घंटी उसमें जुड़ेगी नहीं, पूरा का पूरा साइकिल निकलेगा नहीं। तो फाइनली कितने साइकिल निकलेंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा? घंटी बनाने वाला कितना फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि बाकी सब तो काम करके रुके हुए हैं, और घंटी बनाने वाला स्लो है। तो जिस रेट से साइकिल वाला, साइकिल में एक वर्कर जो है, जो स्लोएस्ट वर्कर है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, वो जिस रेट से काम करेगा, फाइनली फिनिश प्रोडक्ट भी उसी रेट से आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से रिएक्शन में तीन चार स्टेप होते हैं। रिएक्शन में ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। लेकिन जो स्लो वाला स्टेप रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ स्लो वाले स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो अब बताओ, अब स्लो वाला स्टेप तुम्हारा कौन सा है? स्लो वाला स्टेप ये है, यानी स्लो वाला स्टेप ये है, इसका मतलब यही मेरा मेन स्टेप है, ठीक है। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इन पे डिपेंड करेगा? नहीं, ये तो काम करके बैठ चुके हैं भाई, ये इनका तो एक्सेस काम है, एक्सेस में काम कर रहे हैं, ये भी काम करके बैठ चुका है, यही सबसे धीरे धीरे काम कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? फिर से बताते हैं, ये शायद तुम लोग को शायद ना समझ में आए, अगर समझ में आए तो स्किप कर देना, लेकिन ये वाला टॉपिक, ये स्लो फास्ट क्या है, ये फिर से बताया था, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे देखो, कोई एक पेन की फैक्ट्री है, क्या है, पेन की फैक्ट्री में क्या क्या होती है? कैप होती है, मेन पेन का बॉडी है, रिफिल है, ठीक है। अब तीन वर्कर है, एक कैप बना रहा है, एक मेन पेन का मेन बॉडी बना रहा है, एक रिफिल बना रहा है। तो तीनों काम कर रहे हैं अपना अपना, लेकिन ये जो कैप बनाने वाला है, ये बहुत स्लो काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो फाइनली ये फैक्ट्री के बाहर तुमको प्रोडक्ट कितने पेन आ रहे हैं, फैक्ट्री से कितने पेन निकल रहे हैं, वो किस बात पर डिपेंड करेगा? वो बॉडी और रिफिल बनाने वाले
बंदों पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग तो अपना काम करके बैठ जा रहे हैं, इनका बॉडी बन जा रहा है, रिफिल भी बन जा रहा है, पेन में कैप नहीं आ रहा है इसलिए पेन बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि कैप बनाने वाला बंदा वो स्लो काम कर रहा है। तो जब कैप बनेगा तो वो मेन बॉडी और रिफिल के साथ जुड़ेगा, तब पेन बाहर निकलेगा, है ना। मेरे पास मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी है पूरा, अंदर का रिफिल है, और मेरे पास कैप नहीं है। कैप नहीं है तो ये पेन फैक्ट्री में ही रहेगा, ये पेन बाहर नहीं निकल पाएगा, मार्केट में नहीं निकल पाएगा। तो ये पेन बाहर निकले इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो कैप वाला है ये थोड़ा फास्ट काम करेगा, कि कैप लगा लगा के हम बाहर भेजते जाएँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितना पेन बाहर निकला वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैप वाले पे यानी स्लो वाले पे, स्लोएस्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे जो स्लो है, देखो ये स्लो है, रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा। तो अब हम जब इसका रेट लॉ लिखेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जब रेट लॉ लिखेंगे, अगर कोई नॉर्मली अगर तुम इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये, तुम इसका अगर अलग अलग स्टेप्स नहीं लिखे रहते तो कोई क्या बोलते थे, रेट ऑफ रिएक्शन एच बी आर का पावर 4 और ऑक्सीजन का पावर 1, ये गलत हो जाता, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ स्लो स्टेप पे डिपेंड कर रहा, तो एच बी आर का पावर 1 और ऑक्सीजन का पावर भी 1, ठीक है। तो रेट किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने के लिए तुमको क्या करना होगा, किसी भी रिएक्शन का रेट निकलने के लिए तुमको करना होगा उसका स्लोएस्ट स्टेप पहचानना होगा। एक बार स्लोएस्ट स्टेप पहचान में आ गया तो फिर कोफिशेंट पावर में आएगा, वो रेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कुछ, ये रिएक्शन है, यहाँ पे कोफिशेंट 2 है, ऑर्डर 0 है, या फिर ये रिएक्शन है कोफिशेंट 1 है, ऑर्डर फ्रैक्शन है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में तुमको स्लोएस्ट स्टेप देखना पड़ेगा। तो क्या होता है स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप को बोला जाता है RDS, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यही रेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखो, द फॉर्म ऑफ रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज एक्सप्रेस दैट रेट इज इक्वल टू के, क्लोरीन का पावर 1 है और NO का पावर 2 है। तो कोई भी रिएक्शन है जिसमें ये रेट लॉ लग रहा है, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन। तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, एंड विथ रेस्पेक्ट टू NO, NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये देखो ये रिएक्शन, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो पहला रिएक्शन, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहा है और यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट है, तो ये तो भाई अगर नहीं दिया हुआ तो वही मानो। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो इम्पोर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन ये है, फॉर द रिएक्शन, ये क्या है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन, देखो ना NO का पावर 3 कर दिया है, H2O2 का पावर 1, CH3CH2 का पावर 3/2। अब ये तुम, ये भाई तो ये तो याद करना पड़ेगा तुमको कि कोफिशेंट 1 है और ऑर्डर में क्या 3/2 है ना, ये C2H5Cl का पावर 1 है तो 1 है, सबका यूनिट भी दे रखा है, ठीक है। 1 सेकेंड, अब देखो फॉर द रिएक्शन A+B C+D, ये रिएक्शन है, डबलिंग द कंसनट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट यानी ए और बी, दोनों रिएक्टेंट कंसनट्रेशन को डबल करने से इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बाई 8 times, रिएक्शन 8 गुना बढ़ गया। एंड डबलिंग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ओनली बी, सिर्फ बी का डबल किए तो रिएक्शन सिंपली डबल्स द रिएक्टेंट रेट, तो बी को डबल किए तो रेट भी डबल हो गया। अब फाइंड द रेट लॉ, अब रेट लॉ देखते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरा, चलो देखते हैं, क्वेश्चन है कि रिएक्शन है मेरा A+B C+D, ये क्वेश्चन है। तो A+B C+D में बोल रहा है कि अगर दोनों को डबल करो, मतलब इसका कंसंट्रेशन डबल करो, इसका भी कंसंट्रेशन डबल करो, दोनों को डबल कर दिए तो रिएक्शन हो गया 8 गुना, रेट क्या हो गया 8 times, और सिर्फ B को डबल करो तो रिएक्शन हो गया 2 times। तो देखो ये R रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर कुछ होगा मान लो एक्स, बी का पावर कुछ होगा मान लो वाई, ठीक है।
तो अगर हम सिर्फ बी को डबल कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ बी को डबल कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी को कांस्टेंट मान रहे हैं, के और ए दोनों को कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं और ये तो कांस्टेंट ही है, हम सिर्फ बी को डबल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ बी को डबल करने से रेट डबल होता है, इसका मतलब अगर ये टू टाइम्स हो गया तो ये भी टू टाइम्स हो गया, ठीक है, यानी ये टू का पावर में वन है, तभी ना टू का पावर वन है तो यहाँ भी टू आया है ना, यानी बी का ऑर्डर क्या होगा, बी का ऑर्डर हो गया वन, ठीक है, तभी ना बी को डबल कर दिया, मान लो बी को डबल कर दिया मैंने, तो टू का पावर वन तो यहाँ रेट में भी टू आया है ना, यहाँ टू के हैं तो यहाँ भी टू आया, तो बी का पावर तो वन है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब ए का पावर नहीं पता है, ए का पावर निकालना है एक्स, बी का पावर तो वन वन है। दूसरी बार कहा था कि ए को भी डबल करो और बी को भी डबल करो, तो रिएक्शन हो जा रहा है आठ टाइम्स, रिएक्शन हो जा रहा है आठ टाइम्स, कब, जब ए को भी डबल किए अब बी को भी डबल किए, अब बी को डबल किए हैं तो बी का पावर तो वन है भाई, तो यहाँ टू है और यहाँ आठ है तो फोर, तो टू का पावर कितना रहे कि ये फोर हो जाए, तो टू का पावर टू होना चाहिए है ना, तो ये फोर हो जाएगा, तो ए का पावर टू, तो रेट इज इक्वल टू के, ए का पावर टू और बी का पावर वन, तो यही हो गया रेट लॉ। टोटल ऑर्डर कितना हो गया, थ्री। ये देखो, फॉर द रिएक्शन ए टू बी रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 3 टाइम्स, तो ए का कंसंट्रेशन तीन गुना बढ़ाओ तो रेट 27 गुना हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा भाई, ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि रेट जो होगा के ए का पावर 3 होगा, तभी तो इसको अगर 3 गुना करो तो 3 का पावर में 3 आता होगा, तो 3 × 9 × 27 हो जाता होगा है ना, 27 टाइम्स हो जाता होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज, ए को कंसंट्रेशन 3 गुना किया तो बी का कंसंट्रेशन 20 रेट का रेट ऑफ रिएक्शन 27 गुना हो गया क्योंकि ए का पावर में 3 होता होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 3। ये समझ में आया ना, इजी है, देखो ये ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है इसमें, तो अगर कोई रिएक्शन है ए का पावर बी ए टू बी तो आर इक्वल टू के ए का पावर एक्स, अब ए का कोफिशेंट वन है तो ज़रूरी नहीं है वन होगा, ये हम पहले बता चुके हैं, ए का पावर एक्स, अब हमको एक्स नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ए को तीन गुना करने से ये 27 गुना हो जा रहा है, तो तीन के कितना पावर में 27 आएगा भाई, तो तीन के तीन पावर में 27 आएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम लोग ऑर्डर क्या होता है और मॉलिकुलरिटी क्या होता है दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी। मॉलिकुलरिटी क्या है भैया, मॉलिकुलरिटी है कि कितने मॉलिक्यूल एक जगह पे एक साथ एक बार में टकराएं, जितने मॉलिक्यूल टकराएंगे वो मॉलिकुलरिटी हो जाएगा, वो जीरो नहीं हो सकता है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, वो तीन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑर्डर सम ऑफ पावर्स इन द स्लोएस्ट स्टेप, ऑर्डर जो होगा हमको स्लोएस्ट स्टेप निकालना पड़ेगा, स्लोएस्ट रिएक्शन जो होगा उसमें सम ऑफ उसका रेट लॉ लिखेंगे और सम ऑफ पावर आएगा वो ऑर्डर होगा, ठीक है। ऑर्डर भैया जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। ऑर्डर जो है ये देखो, ऑर्डर जो है एक बात समझो, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मान लो उसको, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो, ये वाला फिर से पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो तीन स्टेप में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या है बताओ, इसमें ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है टू, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप है ये और दोनों का पावर वन वन है तो टू, ठीक है। तो ऑर्डर तो भाई टू पता चल गया, लेकिन तुम बताओ मॉलिकुलरिटी क्या है,
तो हम इस फाइनल रिएक्शन का मॉलिकुलरिटी बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ऐसा तो हो नहीं रहा है कि चार बीआर और एक ऑक्सीजन एक साथ टकरा रहा है, वो तो अलग अलग स्टेप में काम कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी हम नहीं बोल सकते हैं कि मॉलिकुलरिटी कितना है, क्योंकि ये भी इससे टकरा रहा है, ये भी इससे टकरा रहा है, ये भी इससे टकरा रहा है, और तीनों अलग अलग टकरा रहा है, हमको साइमल्टेनियस कोलिजन चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी जैसा टर्म नहीं हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर बता सकते हैं हम स्लोएस्ट स्टेप से, लेकिन मॉलिकुलरिटी हम नहीं बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो ये रेट लॉ ख़त्म हो गया। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो तुम प्रैक्टिस करना और पूछना, ठीक है।